नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बदला योगेश्वर के ओलंपिक पदक का रंग, कांस्य से हुआ रजत। पहलवान योगेश्वर दत्त रियो ओलंपिक से भले ही खाली हाथ लौट आए हों, लेकिन 2012 लंदन ओलंपिक के दौरान जो उन्होंने कांस्य पदक जीता था वो अब बदल कर चांदी का होने जा रहा है। जिस रूसी पहलवान ने उस दौरान सिल्वर मेडल हासिल किया था उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है। उल्लेखनीय है कि लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में रूस के बेसिक कुदुखोव ने रजत जीता था और योगेश्वर को कांस्य मिला था, लेकिन अब बेसिक का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण वो तमगा कांस्य पदक विजेता रहे योगेश्वर को दिया जाएगा। पर्रिकर बोले, कश्मीर में कुछ लोगों ने अधिकतर को बना रखा है बंधक। कश्मीर में तनाव के लिए सीमा पार की ताकतों को जिम्मेदार ठहराते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि घाटी में कुछ प्रतिशत लोगों ने अधिकतर लोगों को बंधक बना रखा है। पर्रिकर ने कहा कि जहां तक कश्मीर की बात है, भारत सरकार सीमा पार से आने वाली हिंसा से निपटने के लिए बेहद सक्रिय रही है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिशत लोगों ने अधिकतर लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कर्फ्यू पहले ही हटा दिया गया है और एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी घाटी जा रहा है। भारतीय सीमा में घुसा पाक विमान। पाकिस्तान का एक विमान सोमवार को भारत की हवाई सीमा में जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में देखा गया, लेकिन कुछ ही मिनट में वो अपनी सीमा में लौट गया। बहुत नीचे उड़ान भर रहे इस विमान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहे सीमा सुरक्षा बल ने देखा और इसकी सूचना दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 6 पंखों वाली रुपहले रंग की एक उड़ने वाली वस्तु उसकी सीमा चौकी से देखी गई, जिसने दोपहर 1:10 पर भारतीय हवाई सीमा में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीएसएफ के दिल्ली मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है।